हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल द एंटायरिटी किचन में। आज मैं आपको बताऊंगी फटे हुए दूध से रसगुल्ले कैसे बनाए जाते हैं। तो जनरली गर्मियों के मौसम में क्या होता है, हम अगर दूध को बॉयल करना भूल जाते हैं तो हमारा जो दूध है वो फट जाता है। देन हम सोचते हैं कि अब इस फटे हुए दूध का क्या करें। तो एक बार इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। इसको बनाने के लिए ज़्यादा इन्ग्रीडियंट की भी ज़रूरत नहीं है, बस 3-4 इन्ग्रीडियंट से ही ये बन जाता है और इसका जो टेस्ट है वो बिल्कुल मार्केट के रसगुल्लों की तरह इसका टेस्ट होता है। तो चलिए दोस्तों, इसे बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे मेरा जो दूध फटा था उसका मैंने छीने को निकाल लिया है। अब मैं हाथों से मसल मसल के इसका चिकना सा डो रेडी करूँगी। तो यहाँ पे मेरा जो छेना है वो थोड़ा सा ज़्यादा है, इसलिए मैं इसे आधा आधा करके तब इसे मैश करूँगी। तो इसे मैं डिवाइड कर लेती हूँ। तो यहाँ पर मैंने आधा को ले लिया है। अब इस तरह हाथों से मैं जिस तरह मसल के दिखा रही हूँ, बस इसी तरह हमें मसल मसल के इसे चिकना करना है। तो लगभग हमें इसे 10 से 15 मिनट तक इसी तरह हमें इसे मैश करना है, जब तक ये चिकना ना हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हल्का गीला है, तो इसके बाइंडिंग के लिए मैं यहाँ पे 1 चम्मच अरारोट को ले रही हूँ। फिर इसे डालकर मैं इसे मिक्स करूँगी। तो अभी भी मुझे ये थोड़ा सा गीला लग रहा है, तो मैं इसमें फिर से 1 चम्मच यानी कि 2 चम्मच अरारोट को मैंने इसमें डाला है। फिर इसे मिक्स करके मैं इसे चिकना करूँगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा जो डो है वो चिकना हो चुका है, बिल्कुल ऐसा ही हमें डो चाहिए। ये देखिए, देखिए कितना चिकना है। तो अब जो हमने आधा को निकाल के रखा था छेना को, उसको भी इसी तरह हम मैश कर लेंगे और फिर चिकना चिकना सा डो रेडी कर लेंगे। तो डो हमारा चिकना हो चुका है, हमारा जो डो है वो रेडी हो चुका है। अब मैंने यहाँ पे एक कढ़ाई लिया है, गैस के फ्लेम को मैंने ऑन कर दिया है। अब मैं इसमें 1.5 कप चीनी को डालूँगी, यानी कि लगभग मैंने 500 ग्राम चीनी लिया है। अब मैं इसमें पानी को डालूंगी। तो पानी आपको ज़्यादा डालना है फ्रेंड्स, क्योंकि इसी में आप अपने रसगुल्ले को पकाएंगे, तो इसलिए आप इस पानी को ज़्यादा डालें। तो मैं यहाँ पे 6 कप पानी को डाल रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने 6 कप पानी को डाल दिया है। अब मैं इसमें 1 उबाल आने दूंगी। तो जब तक इसमें 1 उबाल आया, हम अपने बॉल्स को रेडी कर लेते हैं। तब हम अपने बॉल्स को बनाएंगे। तो बॉल्स को बनाने के लिए मैं थोड़ा सा हाथ में घी को लगाऊंगी और उसके बाद मैं थोड़ा सा डो को लूँगी और फिर इसका बॉल्स बनाऊँगी। तो ध्यान रहे जो बॉल है वो आपका ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब ये चीनी के चाशनी में जाएगा तो ये ऑलरेडी साइज़ में बड़ा होगा। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि थोड़ा सा साइज़ में आप इसको छोटा रखें और सेम साइज़ का आप अपने सारे बॉल्स को बना लें। तो ये देखिए मेरा जो एक बॉल है वो रेडी हो चुका है, बिल्कुल इसी साइज़ का आपको सारे बॉल्स को बना लेना है। तो अब सारे बॉल्स को मैं बना लेती हूँ। तो यहाँ पर मैंने अपने सारे बॉल्स को बना लिया है, ये देखिए। अब मैं आगे के प्रोसीजर पे चलती हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं चाशनी में हमारा 1 उबाल आ चुका है। एक बार हम इसे स्टर कर लेंगे। अब मैं इसमें 1 टीस्पून इलायची पाउडर को डालूंगी और थोड़ा सा केसर के धागे को डालूंगी। तो ये बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आपके पास नहीं है तो आप इसे स्किप कर सकते हैं। अब मैं गैस के फ्लेम को लो कर दूँगी। यहाँ पर मैंने गैस के फ्लेम को लो कर दिया है। अब जो हमने बॉल्स को बनाया था वो मैं इसमें डालूंगी। तो पहले आपको 1 बॉल्स को डालना है, 10 सेकेंड वेट करना है, फिर आप अपने दूसरे बॉल्स को डालेंगे। तो इसी तरह आप अपने सारे बॉल्स को इसमें डाल दें। तो यहाँ पे मैंने अपने सारे बॉल्स को डाल दिया है। अब मैं इसे 10 मिनट तक पकाऊंगी। ध्यान रहे अभी आपको इसे ढकना नहीं है, अभी आपको इसी तरह पकाना है। 10 मिनट हो चुका है। अब मैं इसमें थोड़ा सा कलर लाने के लिए इसमें ऑरेंज कलर का फूड कलर डाल रही हूँ। आप चाहे तो इसे स्किप भी कर सकते हैं, आप इसे उजला रसगुल्ला की तरह भी इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने कलर को डाल दिया है। अब मैं इसे मिक्स कर दूँगी। मिक्स करने के बाद मैं इसे ढक करके 15 मिनट तक पकाऊंगी। 15 मिनट हो चुका है। अब मैं इसे हल्का सा चला लेती हूँ। चलाने के बाद मैं इसे फिर से 10 मिनट तक पकाऊंगी, लेकिन अब हम इसे ढकना नहीं है। 10 मिनट हो चुका है और आप देख सकते हैं हमारा जो रसगुल्ला है वो साइज़ में हल्का सा बड़ा हो रहा है। अब हम इसे हल्का हल्का हाथों से चलाते रहेंगे ताकि जो हमारा रसगुल्ला है वो ऊपर नीचे सब जगह से अच्छे तरीके से पक जाए। ये देखिए मैं इस तरह जिस तरह पलट रही हूँ, बिल्कुल ऐसी तरह आपको पलट लेना है और फिर से आपको इसे 10 मिनट तक पकाना है। 10 मिनट हो चुका है और आप देख सकते हैं हमारा जो रसगुल्ला है वो बनकर रेडी है। गैस के फ्लेम को ऑफ कर देंगे और फिर हम रसगुल्ला को चेक करेंगे कि हमारा रसगुल्ला हुआ है या नहीं। चेक करने के लिए मैंने यहाँ बाउल में थोड़ा सा पानी लिया है और फिर अब मैं क्या करूँगी, एक रसगुल्ले को लूँगी और उस पानी में डालूँगी।
ये देखिए रसगुल्ला हमारा जो है वो नीचे बैठ चुका है, यानी कि हमारा जो रसगुल्ला है वो बनकर रेडी है। तो अब मैं इसे निकाल लेती हूँ एक बाउल में। ये देखिए हमारा जो रसगुल्ला है वो बिल्कुल मार्केट की तरह दिख रहा है, स्पंजी भी बना है। यहाँ पर मैंने गार्निशिंग के लिए पिस्ता बादाम का यूज़ किया है। तो ये देखिए हमारा जो रसगुल्ला लग रहा है ना बिल्कुल मार्केट के रसगुल्लों की तरह। तो फ्रेंड्स आपको हमारी ये रेसिपी कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि हमारे आने वाले वीडियो का लेटेस्ट अपडेट आपको मिलते रहे। मिलते हैं इसी तरह के नई रेसिपी के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।